जो आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE क्लास 8 अपनी ज़बान का सबक नंबर 11 इब्ने इंशा जर्मनी में। मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे ये है फरोकश, क़याम करना, उतरना, ठीक है, नदारत, किसी को बिल्कुल ना होना, गनीमत, बची हुई चीज़ का कारामद होना, मायूस, ना उम्मीद, कतार, सफ लाइन, मौसूफ़ जिसकी सिफत बयान की गई, इनकिसार, खाकसार, फेस, फ़ायदा। सबक का खुलासा है, मुसन्निफ़ ने इस सफ़रनामे में अपने जर्मनी के सफ़र की दास्तान बड़ी दिलचस्प। मुसन्निफ़ का कहना, अंग्रेज़ी इंटरनेशनल ज़बान होते हुए भी हर मुल्क के लोग अंग्रेज़ी से बखूबी वाकिफ़ नहीं। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में हम जाएँ, ज़बान का मसला पैदा होता है। अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़बान है जो हर मुल्क में बोली जाती है, लेकिन कभी कभी इंग्लिस्तान के लोग हमारी अंग्रेज़ी भी नहीं समझ पाते, ठीक है। हुआ ये कि एक मरतबा मुसन्निफ़ जर्मनी के एक शहर हमबर्ग गए हुए थे। वहाँ शहर से दूर किसी पब्लिशर से मिलने जाना था। मुसन्निफ़ ने अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के साथ स्टेशन पर खड़े थे। तेज़ हवा चल रही थी, इब्ने इंशा के बाल हवा से उड़कर उन्हें परेशान कर रहे थे। उनके तर्जुमान मिस्टर क्लेनर टॉक टिकट लेने चले गए। मुसन्निफ़ ने अपने कंघे की ख़रीदारी शुरू कर दी। मुसन्निफ़ ने जब हिंदुस्तानी थे उस वक्त जर्मनी के शहर हैम्ब्रेग में उनकी अंग्रेज़ी को कौन समझता, इसलिए उन्होंने कंघा ख़रीदने के लिए इशारों का इस्तेमाल उंगलियों से कंघा करके दिखाया, बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाई, टेढ़ी सीधी मांग निकाल कर दिखाई, लेकिन दुकानदार की समझ में कुछ नहीं आया। मुसन्निफ़ ने बड़े परेशान हुआ कि अब किस तरह उन्हें समझाए। इतनी देर में मिस्टर लेकर आए और उनके आते ही दुकानदार ने झट बहुत सारे कंघे निकाल कर उनके सामने रख दिए। तब इसका मसला हल हुआ। मुसन्निफ़ का सफ़र का दूसरा वाकया है कि मुसन्निफ़ बर्लिन, हैम्ब्रग और म्यूनिख से होकर फ्रैंकफर्ट कायम पज़ीर था। इतवार की सुबह मुसन्निफ़ के उठकर शो का सामान निकाला तो बेल्ट ना थी, सारा सूट केस छीन मारा, बेल्ट का कुछ पता नहीं। आखिरकार सोचा कि बेल्ट बाज़ार से ख़रीदी जाए। नीचे काउंटर पर जाकर दरियाफ्त किया कि बेल्ट कहाँ से ख़रीद सकते हैं। वो शख्स उसकी बात ना समझ सका और बोला, अच्छा आप जा रहे हैं तो आपका बिल बना दो। मुसन्निफ़ ने कहा, नहीं भाई, हमारी सूरत क्या इतनी बुरी होती है कि हमें जाने के लिए कह रहे हो। मुसन्निफ़ ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हम शो करना चाहते हैं। बोला, अच्छा है, आज तो सब दुकानें बंद हैं, रेलवे स्टेशन चले जाओ, शायद वहाँ कोई मिल जाए। स्टेशन पहुंचकर देखा तो हर चीज़ पर मुसन्निफ़ के मतलब की कोई चीज़ ना मिली। सोचा, ब्लेड ना मिला तो ना सही, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आजकल फैशन भी है। इतने में एक छोटी सी दुकान पर एक बड़ी भी नज़र आई। मुसन्निफ़ ने पहले ब्लेड यानी ब्लेड का तर्जुमा कहा, फिर रेजरेशन यानी शेव कराने के लिए कहा और दाढ़ी पर हाथ फेरा। बड़ी भी फ़ौरन समझ गया, उन्होंने ब्लेड उठाकर मुसन्निफ़ को दे दिया। तीसरा वाकया मुसन्निफ़ इस तरह बयान करता है कि शाम को एक सवाल के जवाब में टैक्सी वाले ने उन्हें गुड इवनिंग कहा, अंग्रेज़ी बोलने शुरू की। मुसन्निफ़ ने कहा, मियाँ खूब अंग्रेज़ी बोलते हो। बोला, मैं लंदन का रहने वाला हूँ, यहाँ टैक्सी चलाता हूँ। काफ़ी देर तक इधर उधर बातों में तफसील मालूम हुई और ब्रिटिश आर्मी में अफसर था, अब जर्मन में तनहा रहता। लंदन, इंडिया और फलस्तीन में रह चुका और जर्मन, फ्रेंच, इटलिन और ताइर में रहता था। मंजिल आने में मुसन्निफ़ ने उसे पैसे दिए और टैक्सी वाला थैंक यू बोलकर चल दिया। इसके बाद आगे का है आप इसमें पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ये तशरी है, इसकी तशरी देख लीजिए आप, तशरी अगर आपको करनी है, ठीक है, ये सारी इसकी तशरी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये मंदे सवाल आते हैं, अल्फाज के मानी लिखने हैं। यहाँ पे है इब्ने इंशा कहाँ गए हुए थे, जर्मनी गए हुए थे, कंघा ख़रीदने के लिए क्या इशारा किया, फिर ये सवाल आते हैं, इन सवालों के जवाब हैं, गलत सही जवाब, खाली जगह को सही अल्फाज से भरना है, इसमें खाली जगह जो है वो हाईलाइट हुई हुई है, ये 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 ये
जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना आपको आता है वो लफ्ज़ आए और पूरा उसका मीनिंग आ जाए। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए, ये आप करेंगे। तरकीब तराकीब, उंगलियाँ उंगली, दुकान दुकानों, तहरीर है तहरीर, ठीक है सारा है। इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखने, बूढ़ा जवान, खुश नाराज, बाकायदा बेकायदा, होशियार बेवकूफ़, मगरिब मशरिक, ये अमली काम है, इसे आप कर लीजिएगा। ये सारा अमली काम है, इस सबक में शेरों का जिक्रान का नाम लिखना समझिए, ठीक है ये सारा। उसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या परेशानी है पढ़ने में तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। शुक्रिया।